सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 से। अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर इज कैरिंग अ कॉन्स्टेंट करंट, द ग्राफ ऑफ बी वर्सेस डी फ्रॉम सेंटर इज। सो यहाँ पर हम दो केस ले सकते हैं, हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर, पर नीट में ज़्यादातर सॉलिड सिलेंडर आता है जो कि हमारी नॉर्मल वायर होती है, तो हम सॉलिड सिलेंडर के डिस्कस करेंगे। सो सॉलिड सिलेंडर ऐसा होता है और एक करंट कैरी कर रहा है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे करंट है और हमें इनसाइड रेडियस एट सरफेस और आउटसाइड रेडियस हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सो इनसाइड हम यहाँ सेंटर है, सेंटर से हम जैसे जैसे यहाँ जाएंगे वैसे करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। सो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, और हम जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे करंट बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। और यहाँ पर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी मैक्सिमम, वो हो जाएगी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाए आई अपॉन रेडियस। और हम इसके बाहर अगर जाएंगे जितना तो बाहर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, क्योंकि हम जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, और उसकी एक्सप्रेशन होगा म्यू नॉट अपॉन टू पाए आई अपॉन डिस्टेंस जो कि हम ले रहे हैं। सो इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस पे मैक्सिमम है, और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों में आ सकता है, सरफेस पे मैक्सिमम है, यहाँ पर भी मैक्सिमम है, लेकिन आउटसाइड द रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर यहाँ पर लीनियर है, तो ये नहीं चलेगा। तो आंसर हो जाएगा सी। थैंक यू।